All right, ho dino sir, welcome to Bol Entertainment, Pakistan ka number one entertainment channel. And this is Katakat Show, Pakistan ka number one entertainment show. Aap tamam logon ko khush aamdeed kahunga jo ke TV ki screen ke aage baithe the, intezar kar rahe the ki hafte mein ek ho par great ho. Aur ye wahi mehfil hai jisme hum aap logon ke chehre ki muskurahat ka sabab banne ki sirf koshish kar sakte hain. Insaan ke hath mein kya hai, insaan ke bas mein sirf aur sirf koshish karna hai. Aur hum log yahan baith ke sirf koshish karte hain, barkat usme Allah Taala dalte hain. Aur hum chahte hain ki hum aapki kisi tarike se muskurahat ka sabab ban sake. Khair, aaj ka Katakat kaisa बनेगा ये तो पता चलेगा. आप लोगों की लिस्ट में मौजूद है और बहुत सारे लोग हैं, नाम जरूर लूंगा सबके, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत ये आती है कि आप नाम नहीं पढ़ते और हमें प्लीज नाम पढ़ लें. देखें, ये एक रेडियो ऑन टीवी शो चल रहा होता है, इसमें पूरा गेम हम लोगों ने रेडियो का सेटअप बनाया हुआ है और सिर्फ हम चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो रेडियो और टीवी एक साथ एंजॉय करें बोल की स्क्रीन पर. और इसीलिए हम लोग यहां पर बैठ के प्रैंक्स करते हैं. लेकिन प्रैंक्स में हमारा साथ देने के लिए हर हफ्ते मौजूद होते हैं बहुत ही कमाल के टिकटॉकर्स और टैलेंटेड लोग हम लोग बुलाते हैं. एंड वी हैव आज के हमारे दो मेहमान, वी हैव मानी एंड ऐश विद अस. अस्सलाम वालेकुम मानी, अस्सलाम वालेकुम ऐश, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? ठीक ठाक, बिल्कुल एकदम जबरदस्त, बढ़िया. आप लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए कटाकट शो में. कैसा लग रहा है कटाकट में आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा और बहुत मजा आने वाला है. हाँ, मजा आने वाला है, आप एक्साइटेड हैं हम लोग. अच्छा, पहले थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स भी आपके बारे में जाने, मैं भी जानूँ. आप मानी क्या करते हैं, कौन है, क्यों है, पहला सवाल. मैं टिकटॉकर हूँ और मेरा नाम मानी है. और क्या कहते हैं, मैं एक एक्टिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, लोगों को हंसाना चाहता हूँ, लोगों को रुलाना भी चाहता हूँ, लोगों को अपनी एक्टिंग से. अच्छा, सो इसलिए. और मेरी जिम है. आपका जिम है? जी. तो ये पहले बोलना था वैसे. ये पहले बनता है क्योंकि आपका जो फिजिक है उससे अंदाजा हो रहा है कि आप जिमर प्रॉपर. मैं लोगों को रुलाना चाहता हूँ. आप लोगों को रुलाना चाहते हैं, लोगों को हंसाना चाहते हैं. तुम अपने बारे में बताओ, कौन हो, क्या हो ऐश, किसने रखा ऐश, नाम किसने रखा तुम्हारा, या तुमने खुद रखा? नहीं नहीं, मेरा रियल नेम ही है और मैं टिकटॉकर हूँ. रियल नेम पूरा क्या है? ऐश नूर अली. ऐश नूर अली. हाँ. ओके, घर वालों ने क्या नाम रखा है तुम्हारा, ये? मेरा घर वालों ने रखा है लुमाइशा खान. लुमाइशा? लुमाइशा. लुमाइशा का क्या मतलब है? नहीं पता. लुमाइशा. हाँ, लुमाइशा. तो भी अच्छा यूनिक नेम है. हाँ, यूनिक नेम है. तो लुमाइशा बता सकती थी तुम मुझे. ऐश नूर तुमने खुद रखा है? नहीं नहीं, वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सब ऐश नूर से जानते हैं. अच्छा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ऐश नूर से जानते हैं. वैसे तुम करती क्या हो, अपने बारे में बताओ? मैं कुछ नहीं, बस घर में रहती हूँ. सिर्फ घर में रहती हूँ और टिकटॉक बनाती हूँ. हाँ, टिकटॉक बनाती हूँ. तुम घर में छोटी हो, बड़ी हो, कौन हो? मैं घर में सबसे लास्ट वन हूँ, सारे 11 बहन भाइयों की लास्ट. 11 बहन भाई? हाँ, माशाल्लाह, हम लोग 11 बहन भाई. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है. अब्बू क्या करते हैं? उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको आला मकाम अता करे, आमीन. अच्छा, मुझे बताओ कि 11 बहन भाइयों में कितने बहनें, कितने भाई हो? हम लोग 7 बहनें और 4 भाई. 7 बहनें और 4 भाई. 4 भाई जी. ओके, खैर, कटाकट में पता है ना, हम लोग कटाकट बनाते हैं सबको. हाँ, पता है. सही है, अभी हम लोग कटाकट बनाने वाले हैं. ये कटाकट जो है, इस वक्त हमारे पास एक एंट्री आई है, जिस एंट्री में हमें ये पता चला है कि इन साहब ने वैक्सीन करवाई है, इनका पहला डोज हो चुका है, दूसरे डोज की इनको 28 दिन के बाद बोला है कि आप 28 दिन के बाद लगवाएंगे. ओके, तुमने बोलना है कि सर मैं एक्सपो सेंटर से बात करूँगी, आपने वैक्सीनेशन करवाई थी, डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं. ओके, डन. रजा बात कर रहे हैं, कल आपने वैक्सीनेशन लगवाई थी, इस तरह की बात करना. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आप रजा बात कर रहे हैं? जी, बात कर रहा हूँ. हाँ, आपने कल वैक्सीनेशन लगवाई थी ना? हाँ, वैक्सीनेशन मैंने अपनी कोविड की कराई है कल रात. हाँ, कैसी है आपकी तबीयत, कैसी है? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं नर्स बात कर रही हूँ. जी बताइए, क्या? हाँ, आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर आपसे बात करना चाह रहे हैं. जी, बात कर रहे हैं, क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ, वालेकुम सलाम. रजा साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ. कौन बात कर रहे हैं? रजा साहब, ईमानी बात कर रहा हूँ. जी बोले भाई. ये एक्सपो सेंटर कल आप आए थे, आपने वैक्सीन अपना डोज लगवाया है. सर, आपकी तबीयत का पूछना चाहता था, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, नहीं, तबीयत तो ये है कि बस ये जब मैं घर आया हूँ तो मैं आके सो गया था, तो ये सुबह से हल्का सा हाथ में जहाँ इंजेक्शन लगा था ना, दर्द हुआ था. अच्छा, और अच्छा. थोड़ा सा मुझे लग रहा थकन की वजह से शायद. अच्छा, तो इसमें क्या है, मतलब ये क्या सेकंड डोज के बाद सही होगा क्या, किस तरह से, क्या मसला है ये? नहीं सर, आपको एक्चुअली दोबारा आना पड़ेगा, कल आप दोबारा आ जाएं, आपकी वैक्सीनेशन दोबारा लगनी है. नहीं, 28 दिन के बाद मुझे बुलाया है. जी जी जी. आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं एक्सपो सेंटर गया जी, था. जी, मैं एक्सपो सेंटर से ही बात कर रहा हूँ. हमारे पास जो डिटेल्स में, असल में हुआ क्या है कि आपको जो वैक्सीन लगी, आपने सर मैग्नेट लगा के चेक किया है? ये मैग्नेट का क्या सीन है? मैंने तो जितना भी मुझे
सर आपने वीडियो जी देखी फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस चल रही है मैग्नेट लगा वीडियोस तो मैंने बहुत देखी है मेरे दोस्त मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था वो मैग्नेट का तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं होता मैग्नेट का चिपकना जरूरी नहीं है उसमें। सर आपका मैग्नेट चिपक रहा है या नहीं आप ये बताएं मैं इसीलिए आपको कल दोबारा बुलाना चाह रहा हूँ आपका मैग्नेट चिपक रहा है या नहीं मैं तो सुबह से घर पे हूँ ना ही मैंने मैग्नेट का ऐसे कोई फजूल चीज ट्राई की है अभी तक और मुझे तो उस पर यकीन ही नहीं है इस तरह का कोई मुमकिन ही नहीं है कि मैग्नेट चिपकना शुरू हो जाएगा। सर हम आपको कॉल इसीलिए कर रहे हैं कि हम आपको दोबारा बुलाना चाह रहे हैं आपको वैक्सीनेशन असल में गलत लग गई है तो आपको दोबारा आना होगा कल जो दूसरा जी 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 जो दूसरा डोज लगना था वो पहले लग गया आपको और ये गलती हो गई है तो आप पहला डोज लगवा लें आके आप कल। अबे एक तो देखो आवाम पहले ही परेशान है और अगर तुम एक्सपो से बात कर रहे हो ना तो मैं एक्सपो आके तुम्हारी जो धुलाई करूंगा ना क्योंकि रात को मैं 3 बजे आया हूँ घर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं एक्सपो में था तो उस वक्त किसी को भी ख्याल आ रहा था कि गलत वैक्सीन लग रही है और गलत वैक्सीन लग गई और मुझे अगर कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। सर इसके जिम्मेदार हम नहीं है हमने तो आपको कॉल करके बता दिया आप आ जाए इसमें हमारा भाई जिम्मेदारी नहीं है ये मेरे पास तो रिसीट है पूरी मैं ऐसे थोड़ी मैं आपको मैं अभी अगर अभी आ गया अभी हो सका तो अभी आया अभी तो मैं आपको वो धमाल करूंगा कि ना फिर दुनिया देखेगी। मैं वही कह रहा हूं सर आप चेक कर ले मैग्नेट लगा के अगर तो मैग्नेट चिपक रहा है तो वैक्सीनेशन सही लग गई आपके मैं इसीलिए आपसे बार बार मैग्नेट का पूछ रहा हूं। ओ बाबा मैग्नेट मैग्नेट तो छोड़ो तुम अपना नाम बताओ जरा कौन बात इनामी इनामी बात कर रहा हूँ डॉक्टर इनामी 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 डॉक्टर इनामी ना हाँ। मैं जब आया था रात को तो वहीं पे थे तुम मैं वहीं पे था मैं आपको देख रहा था दूर से रात को मैग्नेट लगा के चेक नहीं कर सकते थे इतनी गैर जिम्मेदारी यार ये मुझे तो मैं तो सोच रहा था मुझे वैक्सीनेशन हो गई है मैं इतना रिलीफ मुझे फील हो रहा था कि मैं एक डोज हो गई है और अब मैं सुकून से रहूंगा दूसरी डोज तक अब तुम कह रहे हो कि दोबारा आना पड़ेगा ऑल द वे पूरा पूरा प्रोसीजर दोबारा फॉलो करूंगा मैं यार नहीं सर एक मैग्नेट के चक्कर में नहीं सर जिन लोगों को ये गलत लगी है वैक्सीनेशन उनको हम दोबारा बुला रहे हैं आपको कोई फॉलो नहीं करना पड़ेगा बस आप आए अपना नाम बताएं सर आपका काम हो जाएगा उसी वक्त। भाईजान बात सुने मैं आऊंगा भी और मैं अपने साथ फिर ना जब लेके आऊंगा ना 3-4 लोग भी आएंगे और वहां पे जो ड्रामा होगा ना फिर देखना ठीक है इनामी। अच्छा मेरी बात सुने ठीक है सर प्लीज मेरी बात सुने सर साध राव को जानते हैं सर साध राव को साध राव का नाम क्यों लिया अभी सर साध राव ने हमें बताया था कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई है कल साध राव ने बताया था आपने फेसबुक पे तस्वीरें भी डाली हैं आपने हैशटैग भी लिखा है कोविड वैक्सीन डन हाँ तो ये हैशटैग जरूरी है ताकि ये इस चीज को प्रमोशन मिले लोग मोटिवेट हो मेरे दोस्त इनामी सर आपने अच्छी चीज की है तो उसने हमें बोला कि कटाकट से कॉल कर लेना सर मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से जैन यार बहुत अच्छा काम किया आपने वैक्सीनेशन करवा ली इनफैक्ट हमने ये अप्रिसिएशन आपको कॉल करने का आज मकसद ये था कि आपको अप्रिशिएट करें कि आप गए और आपने वैक्सीनेशन करवाई और आप भी लोगों को बताएं कि वैक्सीनेशन कितनी जरूरी है और वो प्लीज अपने अपने घर वालों को वैक्सीन करवाएं वैक्सीन लगवाएं। जो सुन रहे हैं सब मुझे लोग उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप फौरन से जाइए और बहुत आसान प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए अपनी वैक्सीनेशन जल्द लगवाएं। थैंक यू सो मच भाई अपना ख्याल रखिएगा और कटाकट देखते रहें कटाकट पे आपकी कॉल आई है। ओके थैंक यू ये एक बड़ी बामकसद कॉल थी इसमें कटाकट बनाने की हमें मैंने सोचा कि कटाकट बनाऊं इनका लेकिन एक्चुअली इस कोरोना वायरस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि हमें मजाक भी करना चाहिए इस वैक्सीन को हमें सीरियसली लेना चाहिए ताकि लोग जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज लें हाँ क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है ये सिचुएशन वर्स भी हो सकती है मजीद दोबारा लॉकडाउन लगना शुरू हो गया दोबारा लोगों का जो डेली बेसिस पे जिनकी क्योंकि मेरे घर में तो ऑब्वियसली चीज गुजर चुकी है तो आई नो कि कितना बैड फील होता है सो बिल्कुल हम एक काम करते हैं एक सेगमेंट खेलते हैं ओके सही है ये सेगमेंट हमारा गेम का सेगमेंट है बचपन में ऑब्वियसली जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एक उर्दू की टीचर आती थी जो उर्दू का पीरियड होता था उसमें हाँ, हाँ. इमला लेती थी हमारा याद है हमसे लिखवाती थी इमला तो अभी होगा नहीं मैंने तो प्राइवेट पढ़ा है मुझसे कभी इमला नहीं लिया टीचर कोई बात नहीं टीचर ने नहीं लिया इमला आपसे लेकिन उर्दू जो लिखते हैं ना मतलब उर्दू जो लिख ही लेते हैं तो अभी हम लोग लेंगे एक इमला जिसमें मैं तुम लोगों को उर्दू में एक दो लफ्ज बोलूंगा मुझे उर्दू नहीं लिखना आती है अपना नाम तो लिखना आता है नहीं अपना नाम भी लिखना नहीं आता उर्दू में अच्छा और इंग्लिश लिखनी आती है नहीं इंग्लिश भी नहीं आती मैं आपको कुछ वर्ड्स बोलूंगा आपको वो लिखते हैं okay. बड़े बड़े मार्कर से ठीक है एक उर्दू में और एक इंग्लिश में ओके ठीक है सही एक उर्दू में एक इंग्लिश में तुम्हें लिखना है ठीक है पहला इमला होगा तुम्हारा ओके ये लो ओके ओके कैम लेकिन बड़ा लिखना बड़ा बड़ा ओके ताकि तुम्हें कैमरे को दिखाना है कि तुमने लिखा क्या है डन ठीक है अब तुमने उर्दू में लिखना है इखलाकियात
लिख दिया ओके ओके अब तुमने लिखना है तबस्सुम ओके अब इंग्लिश में आते हैं इस साइड पे इंग्लिश में लिखना तुमने ठीक है ओके इंग्लिश में अब तुम लिखोगे केमिस्ट्री लिख कुछ नहीं रहा बस ड्रॉ कर नहीं नहीं कुछ लिख रहा है ओके अच्छा अब तुमने लिखना है फिजिक्स अब तुमने लिखना है कटलेस चलो अब दिखाओ पहले इखलाकियात अच्छा सही है इखलाकी तक तो तुम इखलाकी भी नहीं हो अल्हाकी अल्हाकी लिख दिया इसने तबस्सुम की जगह क्या लिखा तरबूज तबा तबाजूज पीछे दिखाओ भाई सबसे पहले क्या लिखा है केमिस्ट्री यस अच्छा कुछ इसमें कुछ मिर्ची भी तो डालनी थी ना अच्छा कंपनी लिख दिया है कंपनी अच्छा नहीं कंपनी भी नहीं है ये कंपने कंपने नीचे क्या है फिजिक्स फिजिक्स जो लिखा है ना भाई ने एंड हो गया एंड एफ आई एस आई एक्स कटलॉक्स गुड वेरी गुड यार क्लैपिंग होनी चाहिए यार इस कॉन्फिडेंस में क्लैपिंग है आपकी भाई हम इनसे लिखवा नहीं रहे कुछ आपने हमें एबीसीडी सुनानी है पूरी एबीसीडी सुनानी है पूरी ए बी सी एक सांस में ओके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ओके अलिफ बे क्लैपिंग तो चल क्लैपिंग वाओ आज मैं आपके गले पे नहीं बल्कि गाल पे स्टार बनाऊंगा अच्छा मुझे उर्दू नहीं आती उर्दू नहीं आती ओके अच्छा ओके अब हम लोग सेकंड कॉल की तरफ बढ़ेंगे अपनी अब जो हम कॉल कर रहे हैं तुम्हें ड्राइविंग आती है हाँ तुम्हें आती ऑटो ऑटोमेटिक ऑटो आती है या चलो ओके एक काम करते हैं हम ड्राइविंग स्कूल पे कॉल करेंगे ओके सही है तुमने एक बहुत अमीर आदमी बन के कॉल करनी है ओके कि कोई मसला नहीं है तुम्हारा लाइसेंस बना हुआ है तुम ये बोलोगे मेरा लाइसेंस तो बना हुआ है मसला नहीं है मुझे ड्राइविंग नहीं आती लेकिन लाइसेंस बना हुआ है तो आप मुझे ड्राइविंग सिखा दो ओके जब वो बताएगा तुम फीस पूछना क्या क्या सिखाएंगे किस किस दिन सिखाएंगे टाइमिंग क्या होगी फीस क्या होगी बोलो फीस डबल ले लें फीस की भी इशू नहीं ये भी बोलना ओके आखिर में तुमने बोलना है कि तुम्हें दिखता नहीं है मसला एक छोटा सा है दिखता नहीं है तुम्हें सिखानी है उनको ड्राइविंग मैं कॉल मिला लाइसेंस लेकिन बन चुका है बोलो मैंने आपका एड देखा था इंटरनेट पर मुझे किसी ने बताया था ओके अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी मानी बात कर रहा हूँ जी मुझे गाड़ी सीखनी है कहाँ से बोल रहे हैं मैं कुरंगी टाउन से कुरंगी किस जगह कुरंगी किस जगह कुरंगी ए मेन रोड पे कयूमाबाद देखा आपने जी 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 बिल्कुल कयूमाबाद आना होगा आपको यहाँ हमारा ऑफिस कयूमाबाद में इकरा यूनिवर्सिटी के पास तो क्या फीस है आपकी हमारी फीस जो है वो 10 क्लासेस में 45 मिनट आप इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी ओके ठीक है गाड़ी कौन सी होगी है किस गाड़ी पे ड्राइव करना सिखाएंगे गाड़ी हम कल्टस और मेहरान दो गाड़ी है हमारे पास इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं और हो सकती कल्टस में आपको दे देंगे कल्टस अच्छी गाड़ी है ना बड़ी गाड़ी है मेरे एसी उसमें चलता है उसमें नहीं एसी नहीं होती है ये ट्रेनिंग वाली गाड़ियों में एसी जो है ना वो कामयाब नहीं है तो आपके आप मुझसे सर 30,000 रुपया लें और मुझे आप 10 दिन में गाड़ी सिखा दें हम आपको सिखा देंगे सर जी आप मैं बस चाह रहा हूँ कि 2 दिन में मैं गाड़ी सीख लूँ मेरी बात कितने दिन में ये बात कर रहे मेरी बात कर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी क्या हाल है भाई साहब आपका इसमें ग्रामी सलीम नाम है मेरा सलीम साहब क्या हाल है खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र है अच्छा सलीम भाई ये छोटा भाई है इसको गाड़ी सीखनी है इसका असल में ये है कि हम लोगों का मतलब हमारे अपना एक फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं सो इसका लाइसेंस वगैरह तो बना हुआ है वो बनवा लिया था हमने ठीक है हाँ बस गाड़ी इसको चलानी नहीं आई आज तक अभी तक सीख नहीं पाया क्या मसला इन्होंने इससे पहले कहीं क्लासें ली है नहीं नहीं कभी भी गाड़ी में ही बैठा ही नहीं
कभी इसने गाड़ी चलाई ही नहीं। अच्छा लाइसेंस बन गया लेकिन सिखा देंगे उनको इंशाल्लाह सिखा देंगे। सलीम साहब एक छोटा सा मसला, एक छोटा सा मसला, मैंने कहा ये एडमिशन से पहले ही बता दूं, इसने नंबर वगैरह निकलवा के रखे हुए थे एक और हमारा कज़न है उससे ना, तो मैं मसला बता रहा हूँ सबको कि एक छोटा सा मसला है वो, इसको ना दिखने का मसला है। दिखने का क्या मतलब? नजर नहीं आता। नजर नहीं आता इसको क्या मतलब? दोनों आंखों से बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। नहीं दोनों आंखों से नहीं आता। सर ये कैसे चलाएंगे गाड़ी, ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब यही तो मसला है, ये कह रहा है भाईजान पैसों का मसला नहीं है, मैं डबल दे दूंगा, ये दे दूंगा लाइसेंस तक। आप सोचें बच्चे का शौक देखें, लाइसेंस बनवा लिया इसने अपना पहले, लेकिन अब मैंने कहा भाई पहले गाड़ी तो बन जाता है, अब वो तो बन जाता है ना, वो तो बन गया इसका लाइसेंस भी, लेकिन अब दिखता नहीं है इसको, ये मसला है। क्या करें, कैसे सीख, क्या ड्राइविंग तो सीख जाएंगे, सीखने की प्रॉब्लम नहीं है ड्राइविंग सीखना। हाँ लेकिन मसला ये है कि इनके साथ फिर कोई बंदा होगा जो ड्राइव गाड़ी लेके जाएगा, वैसे नहीं जा सकेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि साथ एक बंदा होगा, स्टीयरिंग पे इसी को बिठाएंगे ना? स्टीयरिंग पे तो यही बैठेगा, लेकिन इसके बाद भी जब सीखने के बाद भी जब ये गाड़ी लेके जाएंगे ना रोड पे, तो इनके साथ कोई होगा, ये अकेले गाड़ी लेके नहीं जा सकेंगे। अकेले नहीं ले जा सकेंगे, वो मसला नहीं है, लेकिन इसको जब आपका ट्रेनर है, अकेले कैसे ले जाएगा, आप मुझे खुद बताएं ना। हाँ इसको दिखता नहीं है ना, मसला ये एक बस छोटा सा ना, तो यही तो मसला है। आप सीखने में तो ये लोग जिनको दिखता नहीं है बहुत तेज होते हैं, आपको नहीं पता इनको। हाँ बहुत तेज होती है। हाँ अब ड्राइविंग के सारे फंक्शन तो ये सीख जाएंगे, गाड़ी चलानी कैसी है, रोकनी कैसी है, सब कुछ आ जाएगी, लेकिन सामने अगर कुछ दिखेगा नहीं इनको तो ये रोड पे कैसे चलेंगे, मुझे आप खुद बताएं। आपके स्कूल में भेज दें फिर आपका बंदा, इसको साथ बिठा के घुमा तो देगा ना, मतलब चलवा तो देगा 10 दिन में। हाँ घुमा देगा, चला देगा, ये गाड़ी चला भी लेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मैं इसको देखूंगा ना जब ये हमारे पास आएंगे। हाँ हाँ। इनको देखने के बाद हमें आइडिया होगा कि आए भाई इनको हम ड्राइव पे रोड पे लेके जा सकते हैं, यानी ये कानूनी सतह पे भी होता है ना। हाँ नहीं नहीं ये लाइसेंस तो बना चलता है, इनको नजर नहीं आता। नहीं नहीं ये पता नहीं चलता। चलो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर देना ना। व्हाट्सएप अभी कर रहा हूँ। यार ये रेडी है, ये सिखाने के लिए रेडी है, इसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं ये रोड पे जो घूम रहे हैं ना, इनको चाहिए कि इसलिए हो रहे हैं एक्सीडेंट। प्लीज यार आप गाड़ी इस तरह एडमिशन ना दें, आप सिखाएं, सही सिखाएं, बिल्कुल आपको वालों को सिखाओ। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो चलाते ही नहीं सही, नहीं जिनकी हाँ। आंखें सिर्फ उनको सिखाएं भाई, किसी को भी नहीं, नहीं तो किसी को मार देंगे, उनको भी नहीं आती जो चला रहे हैं जिस तरह, किसी बिल्कुल रोड सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है भाई, प्लीज सेंस होना चाहिए, खासतौर पे इस तरह के स्कूल जो है मेरे ख्याल इस तरह के एडमिशन ना दें पैसों के लिए, और ऐसा बिल्कुल ना करें, ये ज्यादती है, हमने तो खाली चेक करना था, और चेक करने के लिए मैंने बोला लाइसेंस बना हुआ, कहता है वो तो बन जाता है, इजी है उनके लिए, कह रहा इजी है तो मसला ही नहीं है। खैर ये इस तरह होना नहीं चाहिए। खैर अब ये एक ये भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट कॉल बन चुकी है, इसके साथ ही मजीद कॉल जो हमें करनी है। अच्छा अब हम लोग जाएंगे एक एक्सपेरिमेंटल कॉल की तरफ, तुमने कॉल करनी है क्योंकि एक कॉल उसकी हो गई एक मेरी हो गई, अब तुम कॉल करोगे, तुम कॉल करके बोलोगी कि हम लोग अननोन नंबर को कॉल करेंगे, एक रैंडम नंबर को कॉल करेंगे, तुमने कहना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे रूम में उड़ने वाला लालबेग आ गया सही, और तुम्हें चीखना भी है okay. सही है, प्रॉपर एक्टिंग करनी है, और तुमने कहना है ये भगाऊं कैसे, आप प्लीज आए इसको मार, सही है, इनको कॉल मिलाते हैं, डरी हुई आवाज, फुल घबराई हुई, वैसे डरती हो तुम? हेलो हेलो, आपको पता है मेरे कमरे में कॉकरोच आ गया है, प्लीज आकर इसे मार दे, उड़ने वाला लालबेग। फिनाइल हूँ मैं की कैसे मार दूँ, मुझे तो खुद 2 दिन से कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है, पेट फूला हुआ है मेरा, मेरा कोई कसूर नहीं, प्लीज इसको क्यों से बचा दो, क्या बचाऊँ, सुपरमैन थोड़ी हूँ मैं। नहीं नहीं तुम सुपरमैन ही हो मेरे लिए, तुम मेरे सुपरमैन हो, प्लीज आओ इसे बचाओ मुझे इस कॉकरोच से। रुक जा फिर, कर एक मिनट रुक जा, वो उड़ रहा है, देखो देखो उड़ रहा है, उड़ रहा है, जल्दी आओ जल्दी, उड़ रहा है तो बैठ जाओ, तुम उसकी कमर पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, समझदार होता है, घुमा फिरा देगा, आजकल माहौल उसको पता है, लॉकडाउन है, वो भी बोर ही हो रहा होगा, अल्लाह हमारी आवाज से लगा, तुम जल्दी हो, आप इतने बुरे, मुझे कॉकरोच से नहीं बचा रहे, मैं बचाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा मुझे ये बताओ, आजकल मैं सीसीटीवी पे डील कर रहा हूँ, बताओ आप जैसे लालची को क्या मिलेगा, एक कॉकरोच ही मिलेगा, देखा इसीलिए मैं देख रहा ना, कॉकरोच मिलेगा तो कोई तुम्हारे कमरे में कॉकरोच नहीं है, तुम लोग जो ना
आपकी तरह दिखता है, उसके पर बिल्कुल आपकी तरह आ रहे ना तो लड़कियों वाली हरकतों पे। अच्छा लगता है आपका रोज का आना जाना है, तुम आ रहे हो ना फिर कल? देखो तुम, मैं देखो बदतमीजी शुरू हुई तुम आप से, तुम पहले तो चिल्ली फ्री हो गए, अब तुम रिश्ता डाल दोगी मुझे पता है। सादा हो रहे हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं ये आप से तुम पे आ गए, ये प्यार हो जाएगा, तो मैं तुमने 3.5 मिनट और मुझसे बात की ना तो तुम रिश्ता दे दोगी मुझे। नहीं मैं नहीं, 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 नहीं बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ नहीं, आप अपना रिश्ता ले ले जाके। और बताओ क्या बताऊं, मतलब मैं भी कुछ भी शोखा, और बताओ अपनी तरफ से कुछ भी। देखा देखा तुम्हें प्यार हो गया, तुम नहीं बोल पा रही, शक्ल देखो अपनी प्यार हो गया है, आवाज इतनी गंदी है तुम्हारी, आवाज देखो अपनी। और बताओ और ऐवें ही और बताओ और बताओ और बताओ, इतने मिले हो तुम। हेलो हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं जैन बात कर रहा हूँ, भाई जान मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। ये हम एक्सपेरिमेंटल कॉल कर रहे थे, हम लोग बेसिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉल पे ना लोगों से। एक्सपेरिमेंटल तू बड़ा आया भाई जान, आपका बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ रहा है कैमरा पे, आप बहुत ही घटिया और गंदे इंसान। आप कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई, इसको समझाओ। ये आपकी इंसानियत देखने का है, ये आप लोग की इंसानियत देखने का है जो कि आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। ये बोलिए बोलिए भाई, यही बात सुन लो। खैर भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ सिर्फ तफरी कर रहे थे और मजाक कर रहे थे आपके साथ, हमने रैंडम नंबर डायल किया था और आपको कॉल कर ली थी। हमारे साथ टिकटॉकर्स बैठे हुए, टिकटॉकर्स ओए ओए, इनके ऊपर पेट्रोल डाल के एक्सपेरिमेंट करो, पेट्रोल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना क्या? आप कोई बहुत ही बड़े जलाद और घटिया किस्म के इंसान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपसे सबको बच के रहना चाहिए। आप मर्द नहीं है, टिकटॉकर कौन सा है? नहीं आप बहुत घटिया इंसान है, आप पेट्रोल और इन चीजों की एडवाइस दे रहे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतनी बकवास कहां से सीखते हो? तुमसे तो शादी करेगी ना उसकी, मतलब पूरी किस्मत खराब है। एक्सपेरिमेंट है कितना अच्छा हुआ, वो ढीठ है घटिया मर्द है, इसलिए कॉल कट कर दो इसकी। हमारी टिकटॉकर को गुस्सा आ गया, बाजी है ना, ये गई है। देखें। भाई अल्लाह लड़ाई हो रही है यार, बहुत बकवास कर भाई, हम फोन देख रहे हैं यहाँ पे लड़ाई हो रही है यार, प्लीज कॉल कट कर दे यार, अल्लाह कॉल ही कर। बहुत आला बहुत आला। खैर आज का शो, आज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए कटाकट शो में, आप लोगों ने कॉल्स भी की, आपकी कॉल का एक्सपेरिमेंट उल्टा हो गया यार, क्योंकि थे ही बहुत बदतमीज, इसकी फर्स्ट कॉल से इतना बदतमीज, मतलब बहुत बदतमीज भाई, कोई भी हो सकता है। देखो कॉल पे तो इतने सारे नंबर्स हैं, कोई भी निकल सकता है, कैसा भी हो, अलग अलग तरह के लोग हैं भाई दुनिया में, ये बहुत मैले थे, ये बहुत मैले थे, ये बहुत मैले थे भाई, ये जो कॉल पे थे भाई आप बहुत मैले थे, ये हमारे टिकटॉकर ने कह दिया। बता दो कैमरे में बोलते, ये रहा तुम्हारा कैमरा, आप इतने मैले हैं ना कि आपको बिल्कुल औरत की इज्जत का बिल्कुल भी पता नहीं, और प्लीज काइंडली इन चीजों को सुधारा करें, आपका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ रहा है हम पर, और लाइक टीवी पे, हाँ टीवी पे पड़े, और आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं कर देते कि आप इस कॉल में आए, बट वो कहते हैं ना इत्तेफाक से लग गई आपको, रॉन्ग कॉल लग गई, रॉन्ग कॉल लग गई। खैर आप क्या कहोगे जाने से पहले? जाने से पहले मैं आपको सबको ये कहूंगा, सपोर्ट करें मुझे और हमारे कटाकट शो को, ये बहुत ज्यादा देखिएगा और आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत और देखिएगा और बाहर बाहर देखिएगा। तुम क्या कहोगे जाने से पहले? बहुत ज्यादा सपोर्ट करें कटाकट शो को और हमें भी, और ऐसे शो को देखते रहे। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर बुलाऊंगा इस शो में, इस महफिल में दोबारा हम लोग कॉल्स करेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। खवातीन और ज़ाद यहीं से हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, एक तशरीह वक्फे की जाने, फिर वापस आएंगे इस महफिल के इस बैठक उसके चेहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कर अगर शो विद मिस्टर बोल बच्चन एंड गिजान द मैन, आपके दिल के चैनल द मास्टर प्लान, साथ दीजिएगा। आप लोग हैं पाकिस्तान की नंबर वन ऑडियंस और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर वन गेस्ट, वी हैव ईशा एंड फयाज विद अस। हेलो ईशा, हेलो फयाज, हेलो हेलो, कैसे हो आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें तो मैं पहचाना ही नहीं, तुमने क्या किया अपने साथ? क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने? क्या किया? खूबसूरत हुई ना? कैसे तुम इतना वजन कैसे कम किया तुमने? लास्ट टाइम तुम मेरे शो में आई थी जब जुहाब आया हुआ था, सही है, तब तुम अच्छी खासी थी,
अच्छी खासी 255 तकरीबन। अब कितना हो गया तुम्हारा वेट? अब 48 से कम हो गया, लास्ट चेक किया था 48 था, उससे भी कम हुआ। अब उससे भी कम है, तो लोगों को बताओ जो दुबला होना चाहते हैं, राज बताओ। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा, बस शोज खुशियों में इतनी जान लगाते हैं, इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत करते हैं। डाइट भी करते हैं? डाइट नहीं करी, बस रोज रमजानों के बाद ज्यादा हुई क्योंकि वो रोजों में कुछ खाती नहीं थी, तो इसलिए वो ज्यादा। तुम्हारा वजन गिर गया माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह तुम और प्यारी लग रही हो। रोजे में वैसे भी कुछ खाते नहीं। तुम कुछ क्यों नहीं खाते? तुम कुछ क्यों नहीं खाते? तुम अपना बताओ। मैं खाता हूँ, मुझे लगता नहीं है। तुम्हें खाने की जरूरत है? है, लेकिन लगता नहीं। लेकिन अपना जब खरीद के खाओगे ना वो तुम्हें लग जाएगा। मैं सच में खरीद के भी खाता हूँ, मैं छीन के भी खाता हूँ, लेकिन नहीं लगता। तुम्हें लगता नहीं है? नहीं लगता। चलो तुम्हें मैं चाहता हूँ फिर आज तुम कॉल पे लगाओ। फिर अब जो नंबर है ये नंबर हमें दिया उसामा शुएब ने, और उसामा शुएब के दोस्त हैं आसिम, उनकी हाल ही में मंगनी हुई है, लेकिन वो मंगनी कोई लव मैरिज नहीं हुई, वो हैदराबाद में रहती है लड़की और ये कराची में रहते हैं, कराची का लड़का है, और ये अरेंज मंगनी हो चुकी है फैमिली में, मतलब कोई जान पहचान का निकला है, तो कह रहा है कि इनकी नई नई मंगनी हुई है, तो आप जो है ना इसका गटागट बना सकते हैं। रीसेंट प्लॉट इनका ये है कि करंटली इनकी मंगनी हुई है, तो हमने कहा चलो सही है, इसकी मंगनी पे अब एक कटाकट बनाई डालते हैं। सही है। सो मंगनी तोड़वाएं या फिर कुछ और करें? मजाक करते हैं। मजाक करते हैं, दूसरी शादी करवाते हैं। पहले मंगनी, अभी तो मंगनी हुई है लड़की, तो दूसरी मंगनी करवाते हैं। चलो अभी पहले गेम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। आसिम, आसिम बोल रहे हो? जी जी। आसिम मैं पोपा बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा हूँ? पोपा। कोपा? पोपा, पोपा बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी पोपा सर। जलील भाई की बेटी से तुम्हारी मंगनी हुई है अभी हैदराबाद में। जी आप कौन? मैं आपका क्या ताल्लुक है? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम कह रहा ये असाइनमेंट है, हमें जलील साहब ने नंबर दिया तुम्हारा और कहा है तुम पे नज़र रखनी है। जाहिर सी बात है बेटी वाले हैं, आजकल के हालात ऐसे हैं, लड़के अजीबोगरीब नशों में होते हैं, कोई गलत हरकतों में होते हैं, तो उन्होंने नंबर दिया कि तुम पे नज़र रखें। क्या कर रहे हो अभी तुम? तो मुझे कॉल करके बताओगे कि मैं तुम पे नज़र रखूंगा, फिर तुम मुझ पे नज़र रखोगे? हाँ मैं तुम पे नज़र रखूंगा। कमजोर हो भाई अपने काम पे, नज़र ऐसे वही रखी जाती है। कर क्या रहे हो तुम अभी ये बताओ, अभी कहाँ पे हो? मैं एक मिनट जल्दी अंकल को कॉल कर लूँ पहले एक दफ़ा। उनको कॉल मत करो क्योंकि उन्होंने नंबर दिया, उन्होंने बोला था कि अगर तुमसे बात ना करे तो मुझे बता देना, मंगनी तोड़ देंगे। आपका नाम फिर से बताइएगा, आपने क्या नाम बताया आपने? पोपा। पोपा भाई? पोपा भाई जी। पोपा भाई बोले बोले क्या अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं वॉशरूम जा रहा था। अच्छा घर पे हो? जी घर पे। किसके घर पे हो? मैं अपने घर पे। अपने घर पे हो? कौन कौन है घर पे? यार कैसे सवाल पूछ रहे हैं ये? तुम पे नजर रखने को बोला भाई, नजर इसी तरह रखी जाती है। जल्दी बताओ घर पे कौन कौन है इस वक्त? तुम मुझ पे नजर रखेंगे ना, मेरे घर वालों पे नजर क्यों रख रहे हो? जानना है हमें घर पे कौन कौन है। मम्मी है, डैडी है, भाई है। चलो ठीक है मैं दोबारा कॉल करूंगा, कॉल उठा लेना मेरी, ठीक है? अगर कॉल नहीं उठाओगे तो उन्होंने बोला था, अगर कॉल ना उठाए तो भी बता देना, फिर हम तुम्हें ट्रैक करेंगे। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल करूंगा। ओके कॉल उठा लेना, अल्लाह हाफिज। ठीक। ये तो अभी से ये अपने ससुर को कॉल करेंगे ना अपने? नहीं करनी नहीं, दोबारा कॉल करेंगे। हेलो। हाँ आप क्या कर रहे हो? भाई मैं वॉशरूम जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार कॉल कर देते। अभी तक गए नहीं तुम? तो कैसे जाएगा बंदा, जा ही रहा है, फिर रात में कॉल कर दी। अच्छा क्या करने जा रहे हो? पोपा भाई कैसा सवाल कर रहे हैं आप, मुझे यकीन नहीं आ रहा जली अंकल ने ऐसा, ये तो मजाक तो नहीं कर रहे आप या कोई जली अंकल मजाक कर रहे हो? अभी निकाह नहीं हुआ ना, मंगनियां तो टूट जाती हैं, निकाह मसला करता है। नहीं भाई अल्लाह ना करे कि टूट जाती हैं, क्या ऐसे इस वजह से थोड़ी टूट जाती हैं कि नजर रखने पड़ती है। आवाज किसकी आ रही है पीछे से? ये आवाज आ रही है किसी की? कोई नहीं भाई है मेरा। क्या कह रहा है ये? कुछ नहीं, आप घर वाले आपस से बात कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं मुझे बात बताओ, बात क्या कर रहे हैं? भाई मैंने नहीं सुना ना, वो आपस में कर रहे हैं बात, अंदर आ गया कमरे में यार। नहीं उससे पूछ क्या, वो बात क्या कर रहा है यार? आप मुझे ना देखो, आप मुझे घबराहट हो रही है यार, समझ क्या ये कैसी है, ये थोड़ी तरीका होता है नजर रखने का भाई? मुझे बताओ कि घर से कब निकले थे? मैं निकला ही नहीं आज। आज नहीं निकले? चलो ठीक है मैं दोबारा कॉल करूंगा, कॉल उठा लेना। ओके अल्लाह हाफिज। घबरा
रही है उसको दोबारा करे एक और इसको वॉशरूम जाने नहीं देंगे आप एक और कॉल करते हैं हेलो हाँ आ गए वॉशरूम से अरे भाई फिर कॉल कर दिया आपने वॉशरूम से आ गए या नहीं आए आ गए भाई मगर तो क्या पूरी रात कॉल करते रहोगे एक एक पल की खबर देनी है भाई पैसे लिए हैं कितने पैसे लिए हैं तुमने ये कॉन्फिडेंशियल है वैसे लेकिन 25,000 लिए मैंने तुम 10,000 वो ऊपर ले लो मुझसे अब मगर मेरी जान छोड़ो और जो मैं बोलूं फिर वो करो हाँ बोलो क्या काम है तुम पहले आमी भरो ना कि यहाँ तुम 10,000 रुपए तुमने कितने 25 लिए मैं तुम्हें 35 देता हूँ 40 देता हूँ चलो 40 देता हूँ चलो ओके और बोलो बताओ क्या करना है अब मेरी जिससे मंगनी हुई तो उस पर नजर रखो पहले कॉल काट दी इसने तो यार कॉल मिला बता दो इसको यार हाँ बता दो ससुर को ही ना अच्छी बात है ससुर को गालियाँ दे दे ये फजूल में हेलो हेलो हाँ भाई मैं पोपा बात नहीं कर रहा जैन बात कर रहा हूँ ये कटाकट शो से आपको कॉल कर रहा था मैं और ये आपके दोस्त उसामा ने मुझे बताया कि आपकी मंगनी हुई है रिसेंटली तो हमें आपके साथ ये मजाक कर रहे थे छोटा सा तो प्लीज भाई यार बड़े तुम लोग यार बड़े तुमने शिफ्टिंग की है कभी घर की मैंने तुमने की है कितनी दफा कर चुके दो तीन बार कर चुकी हो तो वो मजदूरों के साथ तुम मतलब वो जो सामान उठा के ले जाते हैं मतलब मजदूर बुलवाते हो या आजकल बहुत सारी बकायदा कंपनीज और छोटी छोटी इस तरह की कंपनी अच्छा मजदूर 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 ना अभी इंटरनेट पे बहुत सारी इस तरह की कंपनीज आ चुकी हैं जो कि आपको अगर घर शिफ्ट करना है तो उनकी पूरी टीम आती है और टीम आके वो आपके घर से सामान उठाएगी और आपको जिधर प्लेस करवाना है उधर जाके सेट भी करेगी तो प्रॉपर एक पैसे लेते हैं पैकेज होता है उनका कि 3 बेडरूम का अगर सामान है तो इतने पैसे होंगे 2 बेडरूम का सामान है तो इतने पैसे होंगे मजदूर भी उनके होंगे कारीगर भी उनके होंगे फर्नीचर को कारपेंटर्स वगैरह हर चीज़ उनके होंगे तो ये आसानी हो गई है सही है तो अभी एक कंपनी का नंबर हमें मिला है हम इसको कॉल करेंगे और तुम कॉल करोगे तुम अपने घर का एड्रेस बता देना भले कि इस इलाके में यहाँ पे यहाँ से सामान उठाना है और किसी और घर का एड्रेस बता देना कि यहाँ पे रखना है यहाँ पे शिफ्ट करना है पैसे कितने होंगे हर चीज़ की डील करोगे आखिर में तुमने हिंट बोलना भाई से बात कर लेना फिर बस भाई बात कर फिर मैं बात कर डन है मैं बात तरह स्टार्ट करूंगा कि बोलना तुमसे बात कर इस वजह से मैं कॉल देता हूँ उठा लेंगे सारे या शिफ्ट कर लेंगे बात कर लो इनसे हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर मतलब के सामान शिफ्ट करते हैं आप लोग सर कहाँ से कहाँ गुलशन इकबाल से दस्तगीर गुलशन टू दस्तगीर जी सर विजिट करना पड़ेगा कल करवा सकते हैं विजिट हम सर विजिट तो करवा देंगे लेकिन अंदाजा होता है ना तो आप बता दें ताकि फिर मैं इंटरेस्ट लूँ सर आप पैकर सर्विस भी लेंगे या सिर्फ लोकल शिफ्टिंग करवाएंगे नहीं पूरे घर का सामान शिफ्ट करना है कौन सी सर्विस होती है आपके पास अवेलेबल पैकिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट पैकिंग के साथ करवाना है ना जी जी ठीक है सर मैं कल फिर आप विजिट करवा दें वहीं बात कर लेंगे आप पैसे पैसे बता दें या मेरे बड़े भाई से बात कर लो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है खैरियत से अल्लाह का शुक्र है कौन बात कर रहे हैं भाई हसीर बात कर रहा हूँ मैं फकीर जी 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 कैसे हैं आप ठीक हैं अल्लाह का शुक्र है भाईजान ये गुलशन से शिफ्टिंग करनी है दस्तगीर में और ये 3 बेडरूम का घर है हमारा 120 पे ना जी 120 उस पे 10 पे 3 बेडरूम मतलब 3 बेडसेट हैं और सोफा सेट है ड्राइंग रूम का डाइनिंग है और डिवाइडर हैं 2 और टीवी वगैरह भी 3 LCD होंगे और अलमारियाँ हैं 3 डोर की ना 3 डोर की 4 अलमारियाँ हैं और साथ में ड्रेसिंग टेबल हैं 3 वो बेड के सेट के साथ जो होती हैं वो 3 हैं और 2 ट्रंक हैं
ठीक है। तो ये क्या हिसाब है? सर ये जो सामान आपका, मैं इसलिए आपको पैसे नहीं बता रहा क्योंकि आप सामान देखना पड़ेगा ना भाई। हम जिसको फोन कर रहे हैं वो पैसे बता ही नहीं रहा, हम जिसको फोन कर रहे हैं अंदाजा होता है ना, एक हल्का फुल्का सा ना। पता है मसला क्या है जी? आपको हम अभी अंदाजन पैसे बता दें ठीक है, वहाँ जाके हमारा जो है वो बजट बढ़ जाता है तो फिर आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया। हल्का फुल्का सा एक अंदाजा होता है ना, माइंड बन जाता है, माइंड बन जाएगा। पैसा अंदाजन नहीं बता सकते ना, आप विजिट करवा दे, विजिट फ्री है, विजिट फ्री है, ऐसा थोड़ी आ रहा है। अच्छा गाड़ी आपकी होगी, ऐसा ही है, सब कुछ हमारा होगा, सब कुछ आपका होगा जी। बस ठीक है, ठीक है, बस ये घर से उठाना है सामान और एक हम लोगों का ये इधर जगह है दस्तगीर, यहाँ पे डम करना है। ठीक है सर, कल फिर किस टाइम आप करवा रहे हैं? कल बस मैं ये देखता हूँ, जैसे ही सन्नाटा होता है ना गली में तो मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, जैसे ही सन्नाटा होता है तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है सही है। तो ताला वाला आप खुद तोड़ लेंगे? हाँ हाँ तोड़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, तोड़ लेंगे। बस ठीक है भाई, क्यों ताला तोड़ना भी, ताला भी हमसे तोड़वाओगे क्या? हाँ तो ताला ही आप तोड़ो ना भाई। अच्छा हाँ तो पैसे देंगे ना उसके भी? चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो वो एंड में समझ गया, नहीं मैं समझ गया था, उसने कहा ताला भी मुझसे तोड़वाओगे, समझ गया था। खैर इसके साथ ही हमें और भी कड़कड़ बनाने और भी बहुत कुछ होगा। खबर तीन और साथ यहीं पे हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, फिर वापस आएंगे। और कमर्शियल ब्रेक उतना ही जरूरी है एक चैनल के लिए जितना जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। हम लोग कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं फिर वापस आते हैं। इस महफिल को, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कड़कड़ शो विद मिस्टर बोल बच्चन, यानी कि ज़ेन द मैन, आपके दिल के चैनल विद द मास्टर प्लान, एंड वी हैव फैयाज एंड ईशा विद अस, साथ दीजिएगा। हकीकतन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया। गलती से अगर रिमोट पे हाथ लग गया और हम लोग नजर आ चुके हैं आपको, तो ये वाकई आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सरप्राइज है, क्योंकि हम यहाँ बैठे ही आप लोगों को खुश करने के लिए हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट खूबसूरत सी लड़की ईशा, जिसका नाम है, जिसने अपना वजन कम करके जेलस कर दिया बहुत सारे लोगों को, और हमारा एक और भाई जो वजन चढ़ाता ही नहीं खुद पे, जिसका नाम है फैयाज। अभी अभी आपको प्रैंक भी करना है। खैर यहाँ पे मैं दो तीन लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो कि हमारी टेक्निकल टीम के लोग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिस तरह जिनका नाम मैं लास्ट टाइम हमारा जो शो हुआ था उसमें लेना भूल गया था, बिहाइंड द कैमरा जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उमैर, राशिद और फैयाज, आप तीनों का जी बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अगर ना होते तो ये सेट और ये पूरा कटाकट शो ना हो रहा होता। खैर हाँ, आप दोनों से अभी मुझे गेम खेलना है जो मैंने सोच के रखा है पिछले वाले हमारे जो गेस्ट हैं, गेम खेलने की तो हमें आदत है। बस गेम तो आप लोग अच्छे खेलते हो ना, तो अभी एक गेम है, ये वो गेम है जो स्कूल में होता था, यानी कि इमला बड़ा बड़ा लिखना है ताकि नजर आए। सही है, गेम तो ईशा ही खेलेगी। गेम तो मैं ही खेलूंगी। ओके, एक लफ्ज मैं आपको इंग्लिश बोलूंगा, इमला 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 नहीं लिखना, मैं बोलूंगा एक वर्ड, आपने वो लिखना है, ठीक है? तशखीस, तशखीस, खीस नहीं, खीस। नहीं मुझे मत दिखाएं अभी, अभी आपने कैमरे पे दिखाना है। हरारत, आपका तीसरा वर्ड है नजूमी, वेरी गुड। अब आपकी बारी है, आ जाए कैमरे पे दिखा दो तुमने जो लिखा, नजूमी, हरारत, तशखीस, गुड, इम्प्रेसिव। चलो तुम्हारी बारी, ओके तुमने लिखना है उनवान, उनवान, नहीं ये सही है, यही सही है, यही सही है, यही बड़ा लिख दो ना यहाँ पे, नहीं ये दूसरा, उनवान लिख लिया, ओके अब तुम लिखना है फेहरिस्त, 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 सही है, ओके नेक्स्ट कलाकंद, यार इसके तो दो इतने आसान थे, तुम्हारा भी आसान है कलाकंद, नहीं कलाकंद बहुत मुश्किल है, रोमन में लिख दो, नहीं कलाकंद उर्दू में लिखना है,
कफ नुक्सों वाला आता है या दो डंडी वाला आता है? वाला कला लाम नहीं लिखा, कफ लाम दिखाओ ना कला कला कह रही है, मैंने तो ये लिखा है फहरिस्त। वेल डन, बहुत आला। अब तुम्हारी बारी है, इंग्लिश में तुम लिखना है उसको, दो मार्कर। एक भी सही नहीं लिखा, नहीं फहरिस्त भी सही नहीं, एक भी सही नहीं लिखा फहरिस्त है। तुम्हारी बारी है भाई, तुम्हें लिखना है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ओके, अब तुम्हारी बारी। तुमने लिखना है इसका भी मैं लिख लेता हूँ। नहीं नहीं यही लिखेगी, इसका ये लिखेगी। मैं भी यहाँ रख के लिखूंगी। अच्छा तुम यहीं पे रख के लिखना, लेकिन तुमने बोलना नहीं है। नहीं बोल, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है भाई। सही है, तुमने लिखना है। आसान सा बोलता हूँ यार, सिंपल सा। उर्दू बहुत मुश्किल थी मेरी। उर्दू मुश्किल थी, वो तो बहुत नजर आ रही है मुझे। तुमने आसान सा लिखना है हिप्पोपोटामस। ये क्या होता है मुझे बताओ फिर सही है, क्या होता है? जानवर होता है, जानवर होता है ये हिप्पोपोटामस। कौन सा जानवर होता है? पानी में होता है और बाहर भी होता मैंने है। मैंने देखा ही नहीं है जानवर, तो ऐसा जानवर बताए जो मैंने देखा हुआ है। चलो तुम लिखो डायनासोर लिख दो। डीआई होता है, डीवाई लिखो लिखो लिखो, डीआई होता है। हाँ ये सही है, डीआई होता है, यहाँ तक सही है। अच्छा डायनो यार, अब तुम चुप रहोगे, तुम्हारा तुम्हें चुप रहना है। डायनासोर अच्छा एक एक वर्ड और लिखता तुम्हें। डायनासोर लिक्विडिटी, एसओ यू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लिक लिक्विडिटी, सिर्फ लिख नहीं लिक लिक्विडिटी। ये कैसे लफ्ज है, ये मैंने कभी सुने नहीं, नहीं है। नहीं सुने कभी। चलो आसान, तुम्हें लिखना है थर्मापोल। थर्मापोल दिखा दो मुझे प्लीज, दिखा दो। टाइम्स अप। डायनासोर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मैंने बोला था, ये पता ही नहीं है मुझे। लिख लिख लिखा है खाली तुमने, और उसके आगे है क्या है? थर्मापोल। थर्मापोल तो सही लिखा है ना मैंने, सही है। ये क्या होता है? तुमने तीनों उर्दू के भी गलत लिखे है और तीनों इंग्लिश के भी गलत। गर्मी बहुत है। बहुत ज्यादा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं आउटडोर कटाघट की तरफ, के आउटडोर कटाघट में क्या हो रहा है और इस वक्त हमारा कैमरा कहाँ लगा हुआ है। वैसे इस वक्त मुझे जो पता चला है हमारी टीम से, गेटअप रूम में कैमरा लगा हुआ है और आज हमने कुछ नहीं बोलना, आज हमने सिर्फ खामोशी से देखना है, एंजॉय करना है, क्योंकि आज हमारा जो कटाघट बनना है उसमें हमने सिर्फ डराना है। जितने भी टिकटॉकर्स मेकअप के लिए आ रहे हैं और जितने भी लोग अपने कपड़े चेंज करने के लिए उस गेटअप रूम में आएंगे, उनको सिर्फ अंधेरे में हमारा बंदा प्लांटेड जो है वो डराएगा। और देख रहे हैं जी इस वक्त गेटअप रूम में हो क्या रहा है। कितनी यकीन मामी ने इतने, मुझे इतना नहीं पता था कि इतना डर जाएगा। अपना नहीं लग गया, मेरे फोन का डर। अब कौन है भाई? अबे वो शेर है, शेर है, शेर तो चमाट मार दिया, चमाट लगा दिया। अबे अरे तो तुम लोग डराने के लिए खड़े हुए थे। अबे हाँ यार, तुमने तो इतना खींच के मार दिया यार, शायद से यार यार से थप्पड़ लगा दिया इसको टाइम। हाँ बहुत जोर से लगा रहा है। नीचे लगी है, उसके लगी है, नीचे लगी है। देखा बोला ना, लगी है कटाकट की तरफ से, लगी तो नहीं गई।
मैच कैसे खेलूंगा मैं? नहीं सीरियस आप आगे लग गई नहीं हुआ, छोटा सा डरा लेकिन डरा दिया। ओके फाइनली आज का कटाकट शो यहीं पर खत्म होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ईशा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फयाज, आप दोनों आए और मजा आ गया हमेशा की तरह। आप दोनों दूसरी दफा हैं, है ना, और तीसरी दफा भी आपको आना पड़ेगा क्योंकि आप हमारी फैमिली का पार्ट है और आपको लाजमी आना पड़ेगा। क्या कहना चाहोगी ईशा? मैं यही कहना चाहूंगी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पतली हो गई हूँ और मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना कि तुम पतली हो गई और तुम अच्छी लग रही हो अब, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। 2 किलो खून बढ़ गया, 2 किलो वेट कम हो गया। इससे ज्यादा पतला नहीं करना अपने आपको क्योंकि अगले शो में दोबारा बुलाएंगे तो मतलब फिर बिल्कुल फयाज के कपड़ों में आ जाओ, ऐसा ना करना प्लीज। नहीं नहीं बस ठीक है। थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात यहीं पे हम लोग जाएंगे इस शो के अख्तिताम पे क्योंकि आज का शो यहीं पे खत्म होता है। शो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अच्छा लगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। अगले हफ्ते शाम 6 बजे हम फिर से आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल सकेगा थ्रू इंस्टाग्राम @ZenLive पे, आप लोग फॉलो करें @ZEENLIVE @BoldEntertainment पे। यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिए गए नंबर पे अपनी रीसेंट एक्टिविटीज भेजें जिसका आपने कटाकट बनवाना है उसके बारे में लिख के भेजें ताकि हम फिर उसका अगले हफ्ते कटाकट बना सकें। आप लोगों से जरूर मुलाकात रहेगी अगले हफ्ते। अपने अपने ख्वाबों का, अपने वालदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा क्योंकि आप हैं तो वो हैं, रहते हैं आप। ज़ेन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड फाइनली सीमान अल्लाह।